IPL 2020 का सीजन अब बस कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है और दोस्तों अब IPL 2020 के लिए सभी टीमों की जर्सी भी पूरी तरह से फाइनल हो गई है और आज इस वीडियो में हम आपको सभी 8 टीमों की अगले सीजन के लिए नई जर्सी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम इस लिस्ट में सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें तो दोस्तों IPL 2019 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने तो अपना नाम, जर्सी वगैरह सब कुछ बदल दिया था। इस बार दोस्तों इनके पास बदलने के लिए कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है। दोस्तों जर्सी की बात करें तो इस बार भी इनकी जर्सी सेम रहने वाली है। दोस्तों इनकी जर्सी का जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है डाइकिन, वो पिछले काफी समय से सेम है। पिछले सीजन में तो दिल्ली की टीम दोस्तों क्वालिफाई भी करी थी और इस सीजन भी ऐसी उम्मीदें जगाई जा रही है कि इस साल भी इनका प्रिंसिपल स्पॉन्सर डाइकिन ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेम रहने वाला है, परंतु जर्सी के टेक्सचर में दिल्ली की टीम कोई बदलाव नहीं करने वाली है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह की जर्सी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की रहने वाली है। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में अगली टीम सनराइजर हैदराबाद के बारे में बात करें तो सनराइजर हैदराबाद की जर्सी दोस्तों पिछले काफी समय से हमको ज्यादातर सेम ही दिखने को मिलती है। कुछ ज्यादा बदलाव हैदराबाद की टीम अपने कलर और टेक्सचर में नहीं करती है। IPL 2020 में भी हमको इनकी जर्सी पूरी तरह से सेम दिखने वाली है। इनका प्रिंसिपल स्पॉन्सर चेंज होते हम शायद देख सकते हैं, परंतु इनकी जर्सी पूरी तरह से सेम रहने वाली है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह की जर्सी हैदराबाद की टीम पहनने वाली है। तो दोस्तों अब अगर इस लिस्ट में हम राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों IPL 2019 के सीजन में राजस्थान की टीम ने ब्लू जर्सी को छोड़कर पिंक जर्सी को पहनना स्टार्ट कर दिया था। IPL 2020 में भी दोस्तों यह पिंक जर्सी का इस्तेमाल करने वाले हैं और कुछ इस प्रकार की जर्सी राजस्थान रॉयल्स की टीम की रहने वाली है। प्रिंसिपल स्पॉन्सर दोस्तों इस टीम का भी चेंज होने वाला है। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में मुंबई इंडियंस की टीम के बारे में बात करें तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम तो लास्ट ईयर की चैंपियंस है। IPL 2019 में भी इन्होंने अपनी जर्सी में कोई बदलाव नहीं किया था और IPL 2020 में भी मुंबई इंडियंस की जर्सी पूरी तरह से सेम रहने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की जर्सी MI की टीम पहनने वाली है। तो दोस्तों अब अगर इस लिस्ट में हम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की जर्सी भी IPL 2020 में हमको पिछले सीजन जैसी ही दिखने वाली है। प्रिंसिपल स्पॉन्सर दोस्तों इस टीम का भी चेंज होने वाला है। पिछले साल इनका प्रिंसिपल स्पॉन्सर नोकिया था। इस साल दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल स्पॉन्सर इनका पूरी तरह से कन्फर्म्ड होता है, परंतु इनका जर्सी पूरी तरह से सेम रहने वाली है। तो दोस्तों अब अगर हम अगली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करें तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी अब पूरी तरह से कन्फर्म हो चुकी है कि इनकी जर्सी पूरी तरह से सेम रहेगी। इनके स्पॉन्सर में बदलाव होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं उठती है और कुछ इस तरह की जर्सी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम IPL 2020 में यूज करने वाली है। तो दोस्तों अब अगर इस लिस्ट में हम अंतिम टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में बात करें दोस्तों RCB की टीम हर साल कुल 3 जर्सी का इस्तेमाल करती है। दोस्तों शायद आपको ना पता हो कि जो मैचेस वह होम में खेलती है उनके ब्लैक और रेड टेक्सचर में फर्क होता है, जो अवे खेलती है उसमें थोड़ा फर्क होता है और एक जर्सी वह ग्रीन कलर की हर साल एक मैच में पहनती है। तो दोस्तों IPL 2020 में RCB की टीम की जर्सी पूरी तरह से सेम रहेगी। इनका प्रिंसिपल स्पॉन्सर हमको चेंज होता हुआ दिख सकता है, परंतु दोस्तों इसकी काफी कम उम्मीदें हैं। जो RCB का प्रिंसिपल स्पॉन्सर है रोंगन, वो शायद अगले साल भी सेम हो सकता है क्योंकि वो कंपनी इस वक्त काफी अच्छे मुनाफे में है। तो दोस्तों यह थी सभी 8 टीमों की कंफर्म जर्सीज। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम IPL 2020 के सीजन में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।